Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shruti Educational Group. Today, we will take chapter number 11 of physics, that is dual nature of radiation and matter. So students, the chapter number 11, dual nature of radiation and matter. For this chapter, you have to open the page number 386 of your NCERT physics books. Okay, first of all, we will talk about the loose electron or फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ओके, जैसे हम एटम्स की बात करें, एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उस आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उसको जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो यहाँ पे किसी भी मेटल के अंदर अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की ही बात करेंगे. तो ये एक टर्म आपको बहुत बार यूज करनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, तो आई थिंक यू आर नॉट फेमिलियर विद द फ्री इलेक्ट्रॉन. सो हमने एक फर्स्ट वर्ड इस चैप्टर में उठाया, फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड नाउ यू आर फैमिलियर विद द टर्म, दैट इज व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. इन बेसिकली इन मैटर्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन. और यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. नाउ कम टू द वर्क फंक्शन. कि वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन, जिसको हम जनरली फाई से भी डिनोट करते हैं और कई बार डब्ल्यू से भी. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल, दैट इज द फाई. तो वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी मेटल में अगर हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर उस मेटल के मूव आउट होते हैं, तो कितनी मिनिमम एनर्जी हम उसको दें जिसकी वजह से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो जाए, उसको हम बोलेंगे इसका वर्क फंक्शन. आई होप ये समझ में आ गया होगा. आई रिपीट, कोई भी आपके पास मेटल है, उस मेटल पे हमने एनर्जी प्रोवाइड की. एनर्जी किसी भी टर्म्स में प्रोवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मैं एनर्जी हीट के टर्म्स में भी दे सकता हूँ, मैं एनर्जी लाइट की टर्म्स में भी दे सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट भी करवा सकता हूँ, मैं फोटोज की टर्म्स में भी एनर्जी दे सकता हूँ. तो हम अगर किसी भी मेटल में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो वो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी जिस एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस मिनिमम एनर्जी को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे? फाई से, जिसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन वी अप्लाइड द 1 वोल्ट पोटेंशियल टू दैट इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी है. कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की है. कब गेन किए? जब हमने उसके ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, फिर हमने उसको 1 वोल्ट से एक्सिलरेट किया. सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू क्यू. नाउ हमने वोल्टेज कितना दिया है? 1 वोल्ट का. सो इट विल बी 1. चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का है. सो इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. माइनस साइन नहीं लेना अभी. ओके, ऑलरेडी वी नो दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, बट हमें यहाँ पे पोलरिटी की बात नहीं कर रहे अभी हम, इसलिए हम सिर्फ प्लस साइन लेंगे. सो इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ओके, दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो यू कैन से कि जो वर्क फंक्शन है या फिर जो वर्क है, आप यहाँ पे वर्क लिख लो, वर्क होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 जूल. और यू कैन से दिस इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी तक आपको बच्चों इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं मेटल की सरफेस पे से. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है? ओके, तो ये बेसिकली वो फिनोमिना है जिसके अंदर से मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं. मेटल की कोई सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकलेंगे, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन एमिशन. ओके, और जनरली ध्यान रखना, अभी आपने थोड़ी देर पहले वर्क फंक्शन की बात की थी. किसकी बात की थी बच्चों? वर्क फंक्शन की. ये वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी को बता रहा है. कौन सी एनर्जी? मिनिमम एनर्जी. बट कौन सी मिनिमम एनर्जी? जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे. इस मिनिमम एनर्जी के बाद अगर हम किसी भी मेटल पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस मिनिमम एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट कर देंगे. इट मीन्स हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी. और वो एनर्जी क्या होगी? उसकी वर्क फंक्शन को डिनोट करेगी. तो हमारे को अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करना है तो माइंड में ये चीज़ फिक्स रखना कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन एमिट करना होगा तो हमें उस मेटल को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन इट्स वर्क फंक्शन होगी. जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेटल को, वो एनर्जी हमेशा वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी को डिफाइन करता है जिस एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं.
तो हमें मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो दैट विल बी योर मैग्जी दैट विल बी योर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. ओके सो इट विल बी द इलेक्ट्रॉन एमिशन. नाउ द नेक्स्ट वन कि कौन कौन से मैथड्स होते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना है इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना है तो इसमें मेथड्स कौन कौन से होंगे. सो यहाँ पे बेसिकली फोर टाइप्स के मेथड हैं. द फर्स्ट मेथड इज थर्मो आयनिक एमिशन. जैसा कि नाम से लग रहा है स्टूडेंट्स इन थर्मो आयनिक एमिशन वी विल यूज हीट एनर्जी. यानी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी यूज करेंगे. अच्छा बच्चों ये वाला जो टॉपिक है आपको मिलेगा पेज नंबर 387 पे. ये जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है इलेक्ट्रॉन एमिशन है ये पूरा का पूरा आपको पेज नंबर 387 के बाद मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मो आयनिक एमिशन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए जो एनर्जी की फॉर्म यूज करेंगे वो एनर्जी होगी आपकी हीट एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट वन फील्ड एमिशन. नेक्स्ट वन इज द फील्ड एमिशन. नाउ इन द फील्ड एमिशन वी विल यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन मैटर. ओके मेटल के आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव आउट करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 10^3 to 10^8 वोल्ट पर मीटर के रेंज की होगी. सो द सेकेंड मेथड इज फील्ड एमिशन. नाउ द नेक्स्ट वन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. दिस इज इंपॉर्टेंट वन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वी विल यूज द लाइट. ओके और वी कैन से वी विल यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. ओके सो थर्ड वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. नाउ द फोर्थ वन इज द सेकेंडरी एमिशन. इट विल बी द सेकेंडरी एमिशन. नाउ इन सेकेंडरी एमिशन जो इलेक्ट्रॉन्स हम रिलीज करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे. किस पे? मेटल की सरफेस के ऊपर. तो उस टाइप के एमिशंस को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? सेकेंडरी एमिशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 388. द टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाम से लग रहा है बच्चों फोटो मीन्स लाइट का यूज करेंगे यहाँ पे. ओके और लाइट का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 388. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज ने क्या कहा था. हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं. ओके तो हर्ट्ज ने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. अगर कोई भी लाइट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई हैव यूज अ वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी. अगर किसी भी मेटल के ऊपर अगर मैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाता हूं तो वहां से क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट कर देंगे. क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है सूटेबल. इट मीन्स कि कोई भी लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे फॉल होती है तो हमेशा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट नहीं करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर. लाइट उस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे जब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स होगी कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी तभी जाके उस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स एमिट स्टार्ट होना स्टार्ट मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ द हमें यह भी ध्यान रखना है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी उसके ऊपर फॉल हो रही है. जो भी लाइट है वो किस इंटेंसिटी के साथ फॉल हो रही है हमें ये भी ध्यान रखना है इसके ऊपर. सो इट इज अबाउट योर द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर. नाउ हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के बाद में दो साइंटिस्ट और आए थे. फर्स्ट वाज हॉलवेक और इसके बाद आए थे लेनार्ड. दोनों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं हॉलवेक की. तो हॉलवेक्स ने क्या किया? एक सेटअप बनाया. वो सेटअप किस तरीके का था देखिए आप. उन्होंने एक जिंक की प्लेट ली. दिस इज योर जिंक प्लेट और इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट का फॉलिंग करवाई.
और इस जिंक प्लेट को एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्कोप, ओके। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। सो हमने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया, ओके। अब जैसे दिस इज योर जिंक प्लेट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हॉलवैक्स ऑब्जर्वेशन की या फिर यू कैन से हॉलवैक्स एक्सपेरिमेंट की। तो हमने क्या किया, एक जिंक प्लेट लिया, जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल कराया और इस जिंक प्लेट का जो सेकेंड एंड था इसको मैंने इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। फिर इसको जब हमने जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल कराया तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें देखे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जैसे हम इस पर लाइट फॉल करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे, ध्यान से देखना बच्चों। इन्होंने कंसीडर किया कि मान लो कि पहले ये जो इलेक्ट्रोस्कोप्स के जो वायर्स थे या फिर इसके जो लेग्स थी ये नेगेटिवली चार्ज थी। क्या थी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट केस इन्होंने माना कि ये क्या अच्छी तरीके से नेगेटिवली चार्ज है। जैसे मैंने इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल कराया इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी बाहर निकलेंगे, इट मीन्स इसकी जो नेगेटिविटी होगी वो अब रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगी। और जब नेगेटिविटी रिड्यूस होगी तो इनके बीच में, इन लेग्स के बीच में जो गैप है वो गैप क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड टाइम इन्होंने कंसिडर किया कि ये जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप की जो दो लेग्स हैं इनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। अब इन्होंने लाइट फोल्ड करवाई, जब लाइट फोल्ड करवाई तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। थर्ड केस इन्होंने क्या कंसीडर किया कि ये हाईली नेगेटिवली चार्ज है, अब हाईली नेगेटिवली चार्ज में क्या हुआ, जैसे ही हमने यहां पे लाइट फॉल करवाई, लाइट फॉल करवाने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इसका मतलब कि इसकी लेग्स बिल्कुल अच्छी तरीके से ओपन थी बिकॉज ये हाईली नेगेटिवली चार्ज थी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी लेग्स वापस से श्रिंक होना यानी एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि जैसे हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवा रहे हैं किसके ऊपर, जिंक प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो चार्जिंग है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो था आपका हॉलबैक एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं लेनार्स एक्सपेरिमेंट की। लेनार्स ने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड वे में यूज़ किया। उन्होंने क्वार्ट्ज का ग्लास ट्यूब यूज़ किया, उसके अंदर उन्होंने एक कलेक्टर, एक एमिटर यूज़ किया, उन्होंने बैटरी यूज़ की, ओके। डायग्राम को हम देखते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा था, दिस इज योर हॉलवैक्स ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर हॉलवैक्स एक्सपेरिमेंट। अब लेनार्स की बात करते हैं, दिस इज योर एमिटर, दिस सेक्शन इज योर कलेक्टर। एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया हमने, कोई ज्यादा टिपिकल सर्किट डायग्राम नहीं बनाया, ओके। अब दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज, अब हमें क्या करना है, इस एमिटर के ऊपर लाइट फॉल करवानी है, एमिटर वाले के ऊपर। अभी ये दोनों की प्लेट्स के बीच में अच्छा खासा गैप है, जब हम एमिटर के ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट कर देंगे। सपोज करो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज यहाँ करो, यहाँ पे आपने एक अमीटर लगा रखा है, यू कैन से माइक्रो अमीटर, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे रीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों एक्सपेरिमेंट से, चाहे मैं हैलवॉक की बात करूं चाहे लेनार्ड्स की बात करूं, दोनों एक्सपेरिमेंट से या फिर दोनों एक्टिविटीज से हमें ये मालूम पड़ा कि जैसे हम एमिटर के ऊपर या फिर जिंक प्लेट के ऊपर यूवी लाइट या फिर लाइट फॉल करवाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, सपोज करो इसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एमिट होंगे तो यहाँ पे कंप्लीट पाथ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होगा तो यहाँ पे माइक्रोमीटर में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस या फिर कुछ ना कुछ रीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हमने ये फाइंड आउट किया कि जैसे हम लाइट फॉल करवाएंगे किसी मेटल सर्फेस के ऊपर तो उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना स्टार्ट कर जाएंगे। अब ये तो हो गया मेटल का, अगर हम एल्कली मेटल की बात करते हैं, ओके, तो एल्कली मेटल में विजिबल लाइट से भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करनी पड़ेगी,
एल्कली मेटल के अंदर हम विजिबल लाइट को भी यूज करके इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के केस में मुझे यूवी लाइट यूज करनी पड़ेगी। बट अगर मैं एक्सरे की बात करता हूँ, ओके, एक्सरे इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है एक्सरे। तो अगर मैं एक्सरे यूज करता हूँ तो एक्सरे के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हैवी मेटल्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज आउट कर सके, एक्सरे की बात की जाए तो। ओके, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हल्का फुल्का आइडिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ ओपन योर पेज नंबर 390, ओके, जिसमें आपके पास एक डायग्राम है, ओके, फिगर नंबर 11.1, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, द टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो द न्यू टॉपिक, और यू कैन से द सब टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, हमें लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका ये एक्टिविटी भी है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ना स्टूडेंट, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जो डायग्राम का मेन पार्ट है बुक में मैं सिर्फ वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो यू हैव टू ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम। ओके, दिस इज योर कलेक्ट कैथोड, दिस इज योर एनोड। ओके, मैं इसके नीचे वाला जो कम्यूटेटर सेक्शन है इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। यहाँ पे कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर बेसिकली क्या करेगा बच्चों, जो पोलरिटी होती है बैटरी की उसको रिवर्स करने में हेल्प करता रहता है, यानी कभी प्लस माइनस को मैं माइनस प्लस करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, कम्यूटेटर। ओके, फिर नीचे आपने बैटरी लगा रखी है। ओके, फिर उसके बाद रेजिस्टर लगा रखा है, तो उस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे। This is your source of light. This is your quartz window. Okay, ये थोड़ा सा और दूर बनाना पड़ेगा, यहां से लेना पड़ेगा इसको। This is your cathode and that is your anode. अच्छा, इसको हम लोग emitter भी बोलेंगे। Now, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, पूरा डिस्क्रिप्शन या फिर पूरा डिटेल में नहीं बनाया, ये डायग्राम आपको फिगर नंबर 11.1 पे मिल जाएगा, तो आप उस डायग्राम को फॉलो करें। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ समझाने के लिए जितने डायग्राम के पार्ट की रिक्वायरमेंट थी मैंने सिर्फ वो ड्रॉ किया। नाउ कम टू द दिस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी विल यूज अ बैटरी। बैटरी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके, और हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए जो हमने दो तीन प्रोसेस पढ़े थे उसमें से सेकंड मेथड आपका यही था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं। हमारा थर्ड मेथड था जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स या फिर लाइट को फोल्ड करवा के सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ही टेक्नोलॉजी को पैरेलल में यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय दिस बैटरी और हम यहाँ पे लाइट भी फोल्ड करवा रहे हैं, दोनों ही मेथड एक साथ हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिल रही है आपको, बैटरी की वजह से। नाउ अगर हमें इस बैटरी की पोलरिटी रिवर्स करनी है, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना है, तो हम यहाँ पे कम्यूटेटर यूज कर सकते हैं। तो कम्यूटेटर का काम बेसिकली क्या होगा कि सिर्फ वो बैटरी की पोलरिटी को रिवर्स करेगा। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे बच्चों, कि जब हमने यहाँ पे इस बैटरी को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि लाइट या फिर जो करंट की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो आपका माइक्रोमीटर लगा हुआ है या फिर जो अमीटर डिवाइस लगी हुई है, उसकी वैल्यू दो तीन पैरामीटर या फिर दो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। अब लाइट की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, अगर सोर्स को मैं दूर लेके चल जाऊं तो लाइट की इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, और सोर्स को अगर हम बहुत पास लेके चल जाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट हमें मिल रहा है उस करंट की वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेकंड, उस करंट की वैल्यू इस पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, जो आपने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, जो बैटरी कनेक्ट की हुई है इसकी पोटेंशियल वैल्यू कितनी, इसके ऊपर भी इस लाइट की वैल्यू या फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी जो करंट हमें मिल रहा है उस करंट की वैल्यू इस पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है। थर्ड, जो हमें करंट मिल रहा है ये करंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, यानी जो सोर्स आपने यहाँ पे यूज किया है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो करंट की वैल्यू मिल रही है वो भी वेरी करते हुए मिल रही है।
तो हमने यहाँ पे तीन चीजें फाइंड आउट की कि जो करंट है, जिस करंट को हम यहाँ पे फोटो करंट बोलेंगे, ओके, उस फोटो करंट की वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर, उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, इन तीनों पे डिपेंड करती है। अब किस तरीके से डिपेंड करती है हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सो डायग्राम पार्ट समझ में आ गया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लाइट के सोर्स को हम जैसे जैसे हम दूर करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी, वैसे वैसे डिक्रीज होगी, और सोर्स को हम जैसे जैसे पास में लाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, वैसे वैसे इंक्रीज होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप ओपन करें पेज नंबर 390, और पेज नंबर 390 पे एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को बनाते हैं। पेज नंबर 390 पे एक ग्राफ है, दिस इज द लीनियर ग्राफ विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज होगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ओके, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ लीनियर रिलेशनशिप। जिस फैक्टर से मैं लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा उसी फैक्टर से फोटो इलेक्ट्रिक करेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ओके। तो फर्स्ट जो आपको मालूम था कि भाई लाइट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो किस किस ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, और इंटेंसिटी के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो हमें इस ग्राफ से मालूम पड़ गया। नाउ द नेक्स्ट वन कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इसका किस तरीके से डिपेंडेंस, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता हूँ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सिलरेट करता हूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए आप एक ग्राफ को देख सकते हैं। द ग्राफ इज गिवन ऑन पेज नंबर 391, फिगर नंबर 11.3। ये रहा ग्राफ आपका बच्चों। Okay, this potential is denoted by minus V naught. This is your collector plate. Retarding potential. Now this potential is known as the stopping potential. So stopping potential क्यों बोलते हैं? अभी हम discuss करेंगे. This potential is known as what? Stopping potential. And this is your photo इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से दिस इज योर सिंपली योर फोटो करंट, दिस इज I1, I2, I3 एंड I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1, ओके। तो ये ग्राफ आपको पेज नंबर 391 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 391। सो इस ग्राफ को समझते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम इस ग्राफ में पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो भी एक टाइम तक इंक्रीज हो रही है, बट कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल पैरेलल आना स्टार्ट हो जाएगी, ओके? हम किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की। इट मीन्स जब भी आप किसी एक के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी चेक करेंगे तो बाकी जो दो पैरामीटर है वो आपको अनचेंज रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी चेक कर रहा हूँ तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एंड सेकंड थिंग लाइट की इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में लाइट की इंटेंसिटी I1 थी, इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया, इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ओके? आप इन दोनों लाइन कर्व को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आप I1 पे फोकस करो। तो जब हम I1 की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बट एक टाइम के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी, ओके?
ना, जब ये स्ट्रेट लाइन आना स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज कर दो, इस करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब कि आपने एक करंट का सेचुरेशन लेवल गेन कर लिया, तो इस करंट को हम बोलेंगे सेचुरेशन करंट। ओके, दिस करंट इज नॉन एज अ सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट, ये इस वाले करंट को हम सेचुरेशन करंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे करंट अभी भी इंक्रीज हो रहा है। हम सेचुरेशन करंट उस करंट को बोलेंगे जिस लेवल के बाद आपके करंट की वैल्यू वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद भी इंक्रीज ना हो। मैक्सिमम जहां तक करंट आ सकता था उतना करंट आपने गेन कर लिया। बट ध्यान रखना, हमें इंटेंसिटी को वेरी नहीं करना, हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं करना, ये हमें कांस्टेंट रखना है। तो आपने जो करंट गेन किया, जिस करंट के बाद करंट की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट या फिर सिर्फ सैचुरेटेड करंट, दोनों टर्म आप यूज कर सकते हैं। नाउ इस ग्राफ को थोड़ा सा और ध्यान से देखो। जब हमें पोटेंशियल को और डिक्रीज कर रहा हूं, यानी रिटार्डिंग साइड में जा रहा हूं, रिटार्डिंग का मतलब कि हम पोटेंशियल को और डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक लेवल के बाद या फिर आप कह सकते हैं माइनस वी नॉट पोटेंशियल के बाद करंट की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। और इसके बाद आप पोटेंशियल फर्दर चाहे कितना भी डिक्रीज करो, करंट की वैल्यू जीरो से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, चाहे लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो। ओके, इट मीन्स ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट, ओके, किसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा था, फोटोन की वजह से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना स्टॉप हो चुका है। इस पोटेंशियल के बाद या फिर बोल सकते हैं इस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब एमिट नहीं हो रहा है। तो दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल, जिसके बाद से आपके इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन रुक चुका है। अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं इंटेंसिटी वेरी कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने पहले इंटेंसिटी ली थी I1, अब इंटेंसिटी ले रहा हूँ I2, तो आपने नोटिस किया होगा कि I2 इंटेंसिटी पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वही आ रही है जो I1 इंटेंसिटी पे थी। हाँ, वो बात अलग है कि I2 इंटेंसिटी पे सेचुरेशन करंट की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है, I3 इंटेंसिटी पे सेचुरेशन करंट की वैल्यू और ज़्यादा हो चुकी है, बट I1, I2 और I3 पे, तीनों ही पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स वॉट कि इंटेंसिटी को अगर मैं वेरी करता हूँ, ओके, अगर हम इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करते हैं तो उस लाइट का या फिर उस मेटल सरफेस की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इंटेंसिटी कितना भी वेरी कर दो। हाँ, बट इंटेंसिटी वेरी करने से जो यहाँ पे हमें सेचुरेशन करंट मिल रहा है, इसकी वैल्यू में भी वेरिएशन मिलेंगे। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते तो सेचुरेशन करंट की जो वैल्यू थी वो भी इंक्रीज मिल रही है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वो इंक्रीज नहीं मिल रही है, वो जो थी वही है, दैट इज माइनस ऑफ वी नोट। आई होप ये ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, इस ग्राफ से रिलेटेड थ्योरी आपको पेज नंबर 391 पे आराम से देखने को मिल जाएगी। नाउ वन लाइन, हमें वर्क फंक्शन के बारे में तो मालूम है कि वर्क फंक्शन क्या होता है। जब भी हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट कर देते हैं, बट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल वेलोसिटी के साथ रिलीज नहीं होते, इनकी वेलोसिटी वेरी करती रहती है। ओके, एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम वेलोसिटी के साथ या फिर बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ओके, तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि वेलोसिटी की रेंज वेरी करती है, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस मेटल सरफेस के ऊपर जो वर्क फंक्शन था, यानी हमने उतना ही पोटेंशियल इस पर अप्लाई किया या फिर हमने उतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड की जिस एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो, तो उस केस में क्या होगा। पहले बात तो देखो कि हमें रेंज की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, रेंज की बात किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स एक तो मिनिमम और यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ओके, अब हमने क्या किया बच्चों, हमने पोटेंशियल इस पे कितना दिया, इसके वर्क फंक्शन के इक्वल, यानी फाई के इक्वल पोटेंशियल दे दिया। तो जब आप फाई के इक्वल पोटेंशियल दे रहे हैं, वर्क फंक्शन, यहां पे वर्क फंक्शन का फिनोमेना यूज कर रहे हैं, तो यहां पे जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब दिस इज द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हमने वर्क फंक्शन के बराबर जब एनर्जी प्रोवाइड की है तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट विल बी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ओके, और ये आपका किसके इक्वल होगा, के मैक्स के इक्वल।
ओके. नाउ वन मोर थिंग, इट विल बी इक्वल टू ई वी नॉट. व्हाई वी हैव यूज दिस फॉर्मूला ई वी नॉट? बिकॉज अगेन यू नो दैट वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू क्यू. अब वी की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा? वर्क फंक्शन यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है, यानी वर्क फंक्शन में आपने वोल्टेज लिया था वी नॉट, तो इट विल बी वी नॉट. और क्यू क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी वी नॉट इंटू ई. तो यहां पे जो एनर्जी है उस एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है? वी नॉट इंटू ई या फिर ई इंटू वी नॉट. ओके, तो यहां पे हमने एनर्जी है जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको किसके इक्वल ले लिया? ई इंटू वी नॉट. ओके, ये समझ में आ गया? दैट इज ई इंटू वी नॉट इक्वल टू के मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स. ओके, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों. ओके, वन मोर थिंग, अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इस पूरे के पूरे ग्राफ में कहीं पे भी लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. यानी लाइट की इंटेंसिटी अगर हम वेरी करते हैं तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ कम टू द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये तो हमने देख लिया कि इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी हमने देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस से क्या फर्क पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे. अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने के लिए आपको फिगर नंबर 11.4 देखना पड़ेगा बच्चों. सो ओपन पेज नंबर 391, फिगर नंबर 11.4. ओके, आप लोग फिगर नंबर 11.4 देखो तब तक, और इसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश भी करो.